खास बुलेटिन में हम आपको बताते हैं कि नगर निगम आपके घर तक कैसे पहुंचाएगा जरूरी सामान। नगर निगम कमिश्नर आशीष सिंह ने स्वीकारा है कि इंदौर में घर घर तक किराना सामान पहुंचाना कठिन टास्क है। लोग जरूरत जितना ही सामान खरीदे, ज़्यादा नहीं खरीदे, नहीं तो दूसरों को नहीं मिल पाएगा। आज से किराना सामान की लिस्ट लेने के बाद कल से सामान बांटना शुरू होगा, लेकिन किराने का सामान की पैकिंग में सबसे ज़्यादा समय लग रहा है, इसलिए घर घर डिलीवरी करना इतना आसान भी नहीं है। लोग ज़रूरत से ज़्यादा सामान पहले भर चुके हैं, अब गोडाउन से सामान निकाल कर कुछ दुकानदारों के यहाँ पहुँचाना पड़ रहा है। वहाँ पैकिंग होने के बाद लोगों को दिया जाएगा। कोई भी सामान ज़्यादा दाम पर नहीं बिकेगा, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। कमिश्नर आशीष सिंह ने कहा है कि लोग घरों से नहीं निकलें, पहले ही सामान घर में ना हो। दूध और दवाई की दुकानों पर भी लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं, भीड़ लगा रहे हैं। बड़ी संख्या में संक्रमित लोगों के होने के कारण बाकी लोगों को परेशानी आ सकती है। घर से निकलने वाले लोग पूरी सावधानी रखें। हमें अपने स्टाफ को लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं, वो काम ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें, लेकिन 10-12 घंटे रोज काम करने वाले कर्मचारी अब परेशान हो रहे हैं। पूरे शहर में अगले 10 दिन में किराना का सामान बट पाएगा। लगभग 250 से ज़्यादा लोगों को ये काम सौंपा गया है, आगे और संख्या बढ़ाई जा सकती है। कमिश्नर आशीष सिंह ने लोगों से अपील की है कि वो किराना सामान लेते वक्त भी सावधानी रखें। जब उनके घर कोई सामान देने आए तो आसपास वाले भीड़ नहीं लगा। यदि लोगों ने डिलीवरी के दौरान मदद नहीं की तो हम उस इलाके में व्यवस्था बंद करनी पड़ेगी। gamasan.com आपसे अपील करता है कि आप अपने घर में रहें, प्रशासन का सहयोग करें। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।